वीडियोस, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केजरीवाल सरकार ने रिठाला संयंत्र का काम बाधित किया। LG ऑफिस के सूत्र। आम आदमी पार्टी सरकार ने रिठाला फेज वन सीवर शोधन संयंत्र के लिए पेड़ों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी, जिससे परियोजना बाधित हो गई और सीवर का गंदा पानी यमुना नदी में जा रहा है। राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि यह परियोजना यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उन्होंने दावा किया कि इससे संबंधित फाइल करीब 2 साल से दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री के समक्ष लंबित है। बहरहाल दिल्ली में आप सरकार ने रविवार को लगाए इन आरोपों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस मामले पर यमुना पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की हाल ही की बैठक में चर्चा की गई थी। एक सूत्र ने कहा, उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार की तरफ से जानबूझकर इस तरह के कदाचार पर गंभीर नाराजगी जाहिर की है। उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसी अहम परियोजनाओं को रोककर यमुना को जहरीला बनाने से ज्यादा बड़ा अपराध और नहीं हो सकता। राज्यपाल ने इस परियोजना में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यमुना में छोड़े जाने वाले सीवर के 95% मल के शोधन के लिए जून 2023 की समय सीमा तय की है। उपराज्यपाल को बताया गया था कि रिठाला फेज वन सीवर शोधन संयंत्र पर हो रहा काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा। एक सूत्र ने कहा, उपराज्यपाल को बताया गया कि पेड़ों के स्थानांतरण की पहली फाइल 17 महीने तक अटकी रही, जबकि इससे पहली दूसरी फाइल 20 महीने तक अटकी रही। सूत्र ने कहा, NGT द्वारा गठित यमुना निगरानी समिति के हस्तक्षेप के बाद ही अनुमति दी गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाकपा का ऐलान, 215 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को देगी समर्थन। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति के मुताबिक भाकपा कैडर राज्य की 224 सीटों में से 215 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। जहां नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी, वही 21 अप्रैल को पत्रों की जाँच की गई और नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि 24 अप्रैल है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के अनुसार 7 निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों सहयोगी के बीच मुकाबला होगा, क्योंकि CPI पहले ही उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सुरजेवाला ने कहा, भाकपा ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और वे और अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारने जा रहे हैं। मैं और पार्टी भाकपा के राज्य नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास पहुंचे और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि 7 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा, लेकिन बाकी सभी 215 सीटों पर भाकपा का पूरा कैडर भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में कांग्रेस उम्मीदवारों का पूरे दिल से समर्थन करेगा। इस बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन करते हुए CPI ने कहा कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के अलावा यह बोगपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे CPI-M के उम्मीदवार और मेलकोट निर्वाचन क्षेत्र से सर्वोदय कर्नाटक पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं और नतीजे 13 मई को आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अजीत पवार को जानबूझकर महाविकास आघाड़ी से बाहर निकालने का षड्यंत्र शुरू है। अजीत पवार को लेकर शुरू राजनीति का कयासों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने पवार के भाजपा में शामिल होने की गुंजाइश से इनकार किया है, लेकिन बावनकुले ने आरोप लगाया कि जानबूझकर अजीत पवार को महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बावनकुले नागपुर में पत्र परिषद के दौरान अपनी बात रख रहे थे। बावनकुले जी ने कहा कि अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने का कोई ठोस कारण नहीं है, क्योंकि वो खुद ही स्पष्ट कर चुके
चुके हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो मरते दम तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, तो फिर कौन उन्हें लेकर इस तरह की बातें फैला रहा है और उन्हें महाविकास आघाड़ी से बाहर निकालने का षड्यंत्र कर रहा है। बावनकुले जी ने कहा कि उनका अजीत पवार से बीते 3 महीनों में किसी भी माध्यम से किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ। अगर वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें तो बात हुई होती। किसानों की चिंता करने वाले उद्धव ठाकरे ने फोड़े 50 लाख के फटाके। बावनकुले ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी जमकर हमला बोला। रविवार को जलगांव की सभा के दौरान उद्धव ठाकरे द्वारा कही गई बातों का जवाब देते हुए बावनकुले जी ने कहा कि किसानों की चिंता करने वाले उद्धव ठाकरे की इस सभा के दौरान 50 लाख रुपए के पटाखे फोड़े गए, यह एक तरह से जश्न मनाने जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री हो जाने के बाद जनता से जुड़ी समस्याओं को छेड़ा नहीं जाता। उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में किसानों को किसी तरह की मदद की गई, अब जब वो सत्ता में नहीं है तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। राज्य ने ठाकरे के हिंदुत्व को नकारा, अब वो पाकिस्तान से समर्थन मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए बावनकुले जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को राज्य की जनता ने खारिज कर दिया है, उनके विधायक उन्हें छोड़ चुके हैं। आए दिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। राज्य में उनके हिंदुत्व के खारिज हो जाने के बाद अब वो पाकिस्तान से समर्थन मांग रहे हैं। जलगांव की सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर राजनीतिक हमले किए। इस पर बावनकुले जी ने कहा कि मोदी के तूफान में उद्धव ठाकरे की मशाल के साथ ऐसी कई मशालें बुझ जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।